साथियों, आज देश गरीब कल्याण की जितनी भी बड़ी योजनाएं चला रहा है उसका सबसे बड़ा लाभ दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाज को ही हो रहा है। आप सब अच्छे से जानते हैं, पहले की सरकारों के समय जो योजनाएं आती थी वो चुनावी मौसम के हिसाब से आती थी, लेकिन हमारी सोच है कि जीवन के हर पड़ाव पर देश दलित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी, महिलाएं, इन सब के साथ खड़ा हो। हम उनकी आशाओं आकांक्षाओं को सहारा दें। आप देखिए, जरा योजनाओं पर नजर करेंगे तो पता चलेगा, बच्चे के जन्म का समय होता है तो मातृ वंदना योजना के जरिए गर्भवती माता को 6000 रुपये दिए जाते हैं ताकि मां बच्चा स्वस्थ रहे। आप भी जानते हैं कि जन्म के बाद बच्चों को बीमारियों का, संक्रामक रोगों का खतरा होता है। गरीबी के कारण दलित आदिवासी बस्तियों में इनकी सबसे ज्यादा मार होती है। आज नवजात बच्चों की पूरी सुरक्षा के लिए मिशन इंद्रधनुष चलाया जा रहा है। बच्चों को सभी बीमारियों से बचने के लिए टीका लगे, ये चिंता सरकार करती है। मुझे संतोष है कि बीते वर्षों में 5.5 करोड़ से अधिक माताओं और बच्चों का टीकाकरण किया जा चुका है। साथियों, आज हम देश के 7 करोड़ भाई बहनों को सिकल सेल एनीमिया से मुक्ति के लिए अभियान चला रहे हैं। देश को 2025 तक टीबी मुक्त बनाने के लिए काम हो रहा है। कालाजार और दिमागी बुखार का प्रकोप धीरे धीरे कम हो रहा है। इन बीमारियों से सबसे ज्यादा दलित, वंचित, गरीब परिवार वही इसके शिकार होते थे। इसी तरह अगर इलाज की जरूरत होती है तो आयुष्मान योजना के जरिए अस्पतालों में मुफ्त इलाज की व्यवस्था की गई है। लोग कहते हैं मोदी कार्ड मिल गया है, 5 लाख रुपए तक अगर कोई बीमारी को लेकर के बिल चुकाना है तो ये आपका बेटा कर देता है। साथियों, जीवन चक्र में पढ़ाई का बहुत महत्व है। आज देश में आदिवासी बच्चों की पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूलों की व्यवस्था हो रही है। आदिवासी क्षेत्रों में 700 एकलव्य आवासीय स्कूल खोले जा रहे हैं, उन्हें सरकार पढ़ाई के लिए किताबें देती है, स्कॉलरशिप देती है। मिड डे मील की व्यवस्था को बेहतर बनाया जा रहा है ताकि बच्चों का अच्छा पोषण वाला खाना मिले। बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की गई है ताकि बेटियां भी बराबर से और बराबरी से आगे बढ़े। स्कूल के बाद हायर एजुकेशन में जाने के लिए एससी, एसटी, ओबीसी युवा युवतियों के लिए अलग से स्कॉलरशिप की व्यवस्था की गई है। हमारे युवा आत्मनिर्भर बने, अपने सपनों को पूरा कर सके, इसके लिए
मुद्रा लोन जैसी योजनाएं भी शुरू की गई हैं। मुद्रा योजना के अब तक जितने लाभार्थी हैं उनमें बड़ी संख्या में एससी एसटी समाज के ही मेरे भाई बहन हैं और सारा पैसा बिना गारंटी दिया जाता है। साथियों, एससी एसटी समाज को ध्यान में रखकर हमने स्टैंड अप इंडिया योजना भी शुरू की थी। स्टैंड अप इंडिया के तहत एससी एसटी समाज के युवाओं को 8,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता मिली है। 8,000 करोड़ रुपए ये हमारे एससी एसटी समाज के नौजवानों के पास गए हैं। हमारे बहुत से आदिवासी भाई बहन वन संपदा के जरिए अपना जीवन यापन करते हैं, उनके लिए देश वन धन योजना चला रहा है। आज करीब 90 वन उत्पाद को एमएसपी का लाभ भी मिल रहा है। इतना ही नहीं, कोई भी दलित, वंचित, पिछड़ा बिना घर के न रहे, हर गरीब के सर पे छत हो, इसके लिए प्रधानमंत्री आवास भी दिए जा रहे हैं। घर में सभी जरूरी सुविधाएं हो, इसके लिए बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन भी मुफ्त दिया गया है। इसका परिणाम है कि एसटी एसटी समाज के लोग आज अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं। उन्हें बराबरी के साथ समाज में सही स्थान मिल रहा है।